लेट्स मैच द पार्ट्स। एक सेंटेंस के स्टार्ट दी है, जुमले की शुरुआत दी गई है और उसके आगे एक तस्वीर दी गई है। तो उस तस्वीर को देखना है हमें, उस तस्वीर में क्या हो रहा है और उसके बेसिस पर, उसकी बुनियाद पर हमें बताना है कि आगे का सेंटेंस जो है वो क्या होने वाला। तो चलिए शुरू करते हैं। चिल्ड्रन आर, अब चिल्ड्रन आर के आगे जो है तस्वीर है जिसमें कि आप देख सकते हो कि जो दो बच्चे हैं वो फुटबॉल खेल रहे हैं। अंग्रेजी जबान में हम खेलने को कहते हैं प्ले, और वो किस चीज से खेल रहे हैं बच्चे? बच्चे जो है फुटबॉल से खेल रहे हैं। तो पूरा जुमला क्या होगा अगर हम मैच करने जाए तो? चिल्ड्रन आर प्लेइंग विद अ बॉल। दूसरा है द कोकोनट इज। तो जैसे कि आप तस्वीर में देख सकते हो कि जो नारियल है वो नारियल के पेड़ से नीचे गिर रहा है, तो नीचे गिरने को हम क्या कहते हैं? फॉल। ओके, तो अब हम इसको क्या कहेंगे फिर? इस तस्वीर को देखने के बाद हम क्या कहेंगे? द कोकोनट इज फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री। तीसरा द स्टूडेंट्स आर। अब अगर हम तस्वीर में देखें तो हमें क्या नजर आ रहा है? हमको तस्वीर में जो है पहाड़ नजर आ रहे हैं। ये स्टूडेंट्स हैं और क्या कर रहे हैं वो लोग? वो चढ़ाई कर रहे हैं, और हम चढ़ाई को क्या कहते हैं अंग्रेजी जबान में? क्लाइंब, यानी चढ़ना। और कहाँ चढ़ रहे हैं? पहाड़ पे, यानी वो हिल पर चढ़ रहे हैं। तो जुमला क्या बनेगा हमारा? द स्टूडेंट आर क्लाइंबिंग अ हिल। स्टूडेंट जो है पहाड़ चढ़ रहे हैं। चौथा द मंकी इज। अब हम तस्वीर में देख सकते हैं कि एक बंदर जो है एक पेड़ से लटका हुआ है, यानी एक पेड़ की जो टहनी है, शाख है, उससे लटका हुआ है। ओके, तो अब हम लटकने को क्या कहते हैं? अभी जैसे कि बंदर जो है सिर्फ लटकते नहीं, वो झूलते हैं, तो हम झूलने को क्या कहते हैं? स्विंगिंग कहते हैं। तो बंदर जो है इस दरख्त की जो टहनी है से झूल रहा है। तो पूरा जुमला क्या बनेगा? द मंकी इज स्विंगिंग फ्रॉम अ ब्रांच। जैसे कि आप देख सकते हो द बॉयज आर। अब तस्वीर में देख के क्या पता चल रहा है कि जो दो लड़के हैं वो एक भाग रहे हैं पहले तो, और वो किस तरफ भाग रहे हैं? तो इस दीवार की तरफ भाग रहे हैं। तो अब क्या जुमला बनेगा यहां पर? द बॉयज आर रनिंग टू द वॉल। भागना यानी रन, और किस तरफ भाग रहे थे? दीवार की तरफ भाग रहे थे। तो इसीलिए जुमला क्या बनेगा? द बॉयज आर रनिंग टू द वॉल। द एलिफेंट इज। अब इस तस्वीर में हम देख सकते हैं कि जैसे कि एक जंगल है, एक हाथी है, और वो हाथी जो है चल रहा है, और कहाँ चल रहा है? तो रास्ते पे चल रहा है। तो अब हम चलने को अंग्रेजी जबान में क्या कहते हैं? वॉक, राइट। और कहाँ चल रहा है? तो रोड पे चल रहा है। और देख के क्या लग रहा है कि वो नीचे की तरफ जा रहा है, तो नीचे की तरफ को क्या कहते हैं हम लोग? डाउन। पूरा जुमला क्या होगा हमारा? द एलिफेंट इज वॉकिंग डाउन द रोड।